ये फंक्शन दिया गया है, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डी बाई डी एक्स आपको निकालना है इसका। तो ये दो फंक्शन है, दोनों ही एक कॉस है न्यूमरेटर में, कॉस एक्स का फंक्शन है और लॉग भी आपका एक्स का फंक्शन है। तो ये फर्स्ट अपॉन सेकेंड मतलब डिवीजन रूल लग जाएगा। तो डिवीजन रूल आपका क्या होता है, सेकेंड का होल स्क्वायर, सेकेंड मतलब जो भी डिनोमिनेटर है, लॉग एक्स का होल स्क्वायर। फिर मतलब यहाँ डायरेक्ट हम आंसर लिख रहे हैं, तो सेकेंड का होल स्क्वायर, फिर सेकेंड लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वॉट एवर द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है आपका कॉस एक्स है, माइनस ठीक है क्या होता है सेकेंड फंक्शन मतलब कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो लॉग एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ आपका लॉग एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है, सपोज ये सेकेंड फंक्शन है, तो क्या करते हैं सेकेंड का होल स्क्वायर, सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, खैर तो लॉग ऑफ लॉग एक्स और कॉस एक्स का कितना होता है माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, माइनस कॉस एक्स और लॉग एक्स का होता है वन बाई एक्स, ये लॉग एक्स का मतलब एल एन एक्स होता है। ठीक है, जबकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, लॉग एक्स का मतलब विथ बेस टेन होता है, खैर जो बोर्ड में दिया जाता है लॉग एक्स को हम एल एन एक्स मानते हैं। तो लॉग एक्स का होल स्क्वायर, अब इसको कायदे से लिख लीजिए सिर्फ, ठीक है एलसीएम ले लेते हैं, है ना, तो ये माइनस यहां आ जाएगा और इसके नीचे आपका क्या है वन है, तो ये एक्स इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस, ये माइनस यहां आ गया, एक्स वो मल्टीप्लाई वाई वाला एक्स यहां पे, फिर साइन एक्स एंड लॉग ऑफ एक्स, तो यहां का कंप्लीट हो गया, और माइनस क्या हो गया आपका कॉस एक्स, और ये होल अपॉन एक्स आएगा। ठीक है, वो इसके नीचे लिख देते हैं, होल अपॉन एक्स लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस साइन आप कॉमन कर लो, है ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस यहां आ जाएगा आपका। ठीक, तो माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस एक्स साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स होल अपॉन एक्स लॉग एक्स का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर।